चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना ने एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दिए। ये बड़ी जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी, नए वेरिएंट के मद्देनजर चंडीगढ़ प्रशासन का फैसला भी सामने आ चुका है। तो भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में मास्क लगाने की पहल उनके द्वारा की जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, कि लोगों से ये भी अपील की गई है कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मास्क जरूर लगाएं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है। नए वेरिएंट के मद्देनजर चंडीगढ़ प्रशासन का फैसला आया है, भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में मास्क पहनने की सलाह लोगों को दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना ने एक बार फिर से लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में मास्क पहनने की सलाह भी दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। नए वेरिएंट JN.1 के मद्देनजर चंडीगढ़ प्रशासन का फैसला सामने आया है, भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में मास्क लगाने की लोगों से सलाह दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना का एक बार फिर से कहर देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने फैसला सुना दिया है, अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग है, और उसके द्वारा ये कहा गया है कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में मास्क जरूर पहने। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। नए वेरिएंट के मद्देनजर चंडीगढ़ प्रशासन का फैसला भी सामने आया है, भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में लोगों को मास्क पहनने की भी सलाह दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। ईशा, जिस तरीके से कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और इसको लेकर चंडीगढ़ प्रशासन का फैसला भी सामने आ गया, एडवाइजरी भी जारी कर दी है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, अगर माहौल की बात करें तो अभी कैसा माहौल चंडीगढ़ में बना हुआ है? क्या कोविड को लेकर लोगों में दहशत फैल रही है? देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर, और हमने देखा था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक भी ली गई थी। हालांकि अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की, यहाँ पर अभी तक नए वेरियंट का कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर एडवाइजरी एहतियातन के तौर पर जारी कर दी गई है। और जिस तरीके से हमने देखा था कि देश में जब कोरोना ने दस्तक दी थी, उस दौरान जिस तरीके से दिशा निर्देश जारी किए गए थे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, वैसे ही दिशा निर्देश इस नए वेरिएंट के मद्देनजर चंडीगढ़ प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहां पर दिए गए हैं। प्रशासन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसमें लोगों से आग्रह किया गया है कि अगर आप भीड़ वाले इलाके में जाते हैं तो आपको मास्क पहनना जरूरी हो जाएगा, और साथ ही अगर आप कहीं अपने इलाज के लिए किसी अस्पताल पहुंचते हैं तो तब भी आपको मास्क पहनना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसमें ये भी कहा गया है कि अपना विशेष तौर से ध्यान रखें, अगर सर्दी जुकाम हो तो आप अपना कोविड का टेस्ट करवाएं, और हाथों को समय रहते बार बार जब भी जरूरत हो तो उसे वॉश करें। और यहाँ पर देखिए, जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि अगर कोई कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे 7 दिन के लिए आइसोलेट किया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है, लेकिन प्रशासन के द्वारा एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, फैसला भी सुनाया गया है, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, और ऐसे में लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। ईशा ठाकुर, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।